अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा मैजिक किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम बताने जा रहे हैं मालपुआ की रेसिपी। तो चलिए बिना किसी देरी के मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा और 1/2 कप सूजी। आप मैदे की जगह यहाँ आटे का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच कूटे हुए सौंफ। अब एक बॉल में 1/2 कप चीनी ले लीजिए और 1 कप दूध। चीनी और दूध को अच्छी तरह मिला लीजिए। मैंने यहाँ मोटी वाली चीनी ली है। चीनी और दूध को 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि दूध में चीनी अच्छी तरह घुल जाए। अब मालपुए में डालने के लिए केले को फोक की मदद से मैश कर लीजिए। मैंने यहाँ 3 केले लिए हैं, आप चाहे तो 2 केले भी ले सकते हैं। अब मैदे में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंने यहाँ नारियल, बादाम, काजू और किशमिश डाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसमें हमने जो मैश कर केले रखे थे उसे डाल दीजिए। फिर इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। हमने जो दूध और चीनी का मिश्रण बनाया था उसे अब डाल दीजिए। चीनी और दूध के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसमें हम 1/2 कप दूध और डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैटर बिल्कुल इसी तरह का रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा डाल दीजिए। सोडा डालने से मालपुए अच्छी तरह फूलते हैं। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अब मालपुए के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हमने 1.5 कप पानी लिया है और 1 कप चीनी। अब इसे हम 2 से 3 मिनट इसी तरह मिला लेंगे। फिर इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि चाशनी एक तार की ना बन जाए। चाशनी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मालपुए को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल चढ़ा दीजिए। हमने जो मालपुए का बैटर सेट होने के लिए रखा था वो अब सेट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं छोटे वाले डब्बू से मालपुए बना रही हूँ। आपके पास जो भी डब्बू हो आप उससे मालपुए बना सकते हैं। अब तेल भी गर्म हो गया है, अब इसमें हम डब्बू की मदद से बैटर को डाल देंगे। अब डब्बू की मदद से इसे थोड़ा फैला लेंगे। इसी तरह बचे हुए बैटर से मालपुए बनाकर तैयार कर लीजिए। मालपुए को आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे साइज के बना सकते हैं। अब मालपुए पे इस तरह से तेल डाल दीजिए ताकि मालपुआ पलटते समय फैले ना। मालपुए को मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए, इससे आपके मालपुए अंदर से अच्छी तरह पक जाएंगे। जब मालपुए का किनारा ब्राउन दिखने लगे तो इसे पलट दीजिए। मालपुए को दोनों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। मालपुआ एक ऐसी मिठाई है जिसे बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो घर पर मालपुए नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे बनाने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसे बनाने की तमाम चीज़ें घर में ही मौजूद होती है। देखिए फ्रेंड्स, मालपुए फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम स्पून की मदद से दबाकर इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए मालपुए को लाइट ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए और इसी तरह स्पून की मदद से मालपुए का एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, सभी मालपुए फ्राई हो गए हैं। अब मालपुए को एक एक करके चाशनी में डाल दीजिए। फिर इसे चाशनी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए। अब इसे पलटकर 5 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए ताकि चाशनी पुए में अच्छी तरह चली जाए। देखिए फ्रेंड्स, मालपुए ने चाशनी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए सारे मालपुए को बारी बारी से चाशनी में डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसे कट कर कर दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। मेरे बताए हुए इस मालपुए की रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।